अभी तक हमने करा टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, आज हम करेंगे टेक्स्ट प्रोसेसिंग विद रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशंस। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग विद रेगुलर एक्सप्रेशंस में, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशंस हमें ये समझना पड़ेगा पहले, रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या, और हमें इस चीज पे भी फोकस करना है कि हर कमांड रेगुलर एक्सप्रेशंस को पहचानती नहीं, ठीक है। नॉर्मल एक्सप्रेशंस अलग चीज है, रेगुलर एक्सप्रेशंस अलग चीज है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो यही पहचानना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं क्या, क्लियर। तो पहले उसकी कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्लियर। रेगुलर एक्सप्रेशंस तीन टाइप्स के, पहली कैटेगरी है वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है मॉडिफायर्स, ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है एंकर्स, ठीक है। अब ये सारे के सारे अगर हम देखें, अब वाइल्ड कार्ड्स में देखें तो वाइल्ड कार्ड में अगर हम डॉट लिखते हैं, डॉट एक वाइल्ड कार्ड है, ठीक है। डॉट का मतलब है एनी कैरेक्टर, ठीक है, एनी कैरेक्टर बट वन, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड कार्ड्स में स्क्वायर ब्रैकेट में आप कुछ कैरेक्टर्स लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपने लिखा ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसका मतलब होता है, अगर ऐसे कुछ लिखोगे, इसका मतलब है एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम दी सेट ऑफ वैल्यूज, तो जितनी वैल्यू इसमें लिखी है इनमें से कोई एक, ठीक है। अब इसी में एक और तरीका है, मानो मैं लिखता हूं वैल्यू लेकिन कैरेट सिंबल के साथ, ठीक है, मैं कहता हूँ ए बी सी डी, क्लियर। तो एनी वन कैरेक्टर नॉट फ्रॉम दिस सेट ऑफ वैल्यूज, यानी कि इनको छोड़ के, इन चार को छोड़ के कोई भी एक करे, क्लियर। तो ये है रिप्रेजेंटेशन वाइल्ड कार्ड्स, इनको यूज कैसे करना है वो आगे बताएं, ठीक है। अब मॉडिफायर्स पे आते हैं, ठीक है। मॉडिफायर्स में क्या होता है? अब पहले तो मॉडिफायर्स का हमें पता हो कि इट कंट्रोल्स अकरेंस ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, क्लियर। हम इसको समझेंगे डिटेल, क्लियर। तो अगर हम स्टार यूज करते हैं, स्टार का मतलब जीरो और मोर टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, अगर आप लिखते हो
क्वेश्चन मार्क का मतलब है जीरो और वन टाइम ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। अगर आप प्लस लिखते हो इसका मतलब है वन और मोर टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। इसकी जगह तुम अगर आई टाइम्स लिखते, देखो ये सारे के सारे जो करेक्टर हैं इनमें हमें ध्यान रखना है कि हमें बैक स्लैश और ये यूज करने हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेशल करेक्टर। इसी तरह से कर्ली ब्रेस भी स्पेशल करेक्टर है तो हम बैक स्लैश यूज करेंगे, क्लियर। पर इसका मतलब है आई, आई क्या है, आई इज ए नंबर, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर। आई टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर, क्लियर, और ब्रैकेट में आई इज ए नंबर, उसी तरह से अगर आप लिखते हो आई कॉमा तो इसका मीनिंग हो जाता है आई और मोर टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। और एक और कॉम्बिनेशन बचता है, उसमें आप कहते हो आई कॉमा जे, तो आई टाइम्स टू जे टाइम्स ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। सबके एग्जाम्पल्स करेंगे तब हमें बेटर समझ आएगा। और तीसरी कैटेगरी जो रेगुलर एक्सप्रेशन की है और हम कहते हैं एंकर्स, ठीक है, इट कंट्रोल्स प्रॉपर्टी लाइक लाइन और वर्ड स्टार्टिंग विद और एंडिंग। अब यहाँ क्या यूज करते हैं, यहाँ हम यूज करते हैं जैसे कैरेट सिंबल, इसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो ये होता है लाइन स्टार्टिंग। ये कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। अगर आप डॉलर यूज करते हैं इसका मतलब होता है लाइन एंडिंग। सेम वे आपका लेस देन सिंबल, क्लियर, इसका मतलब होता है वर्ड स्टार्टिंग विद, और ग्रेटर देन सिंबल है तो वर्ड एंडिंग विद। तो ये आपके तीन टाइप के कैटेगरी के रेगुलर एक्सप्रेशन हैं जो कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन के तौर पे यूज करते हैं, क्लियर। अब ये तो आपके रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर हम नॉर्मल एक्सप्रेशन में कहें, नॉर्मल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है, चलो उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे तुम कई बारी सारी टेक्स्ट फाइल अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कहते हो, ls star dot text, ठीक है। अब यहाँ जो आपने स्टार यूज किया वो भी वाइल्ड कार्ड है,
लेकिन ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर? इसके अलावा क्वेश्चन मार्क जब आप कमांड लाइन पे यूज करते हो, उस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? एनी करेक्टर, एनी नंबर ऑफ, सॉरी ओनली वन करेक्टर। स्टार को कहते हैं एनी करेक्टर बट एनी नंबर ऑफ करेक्टर। क्लियर? प्लस नॉर्मल एक्सप्रेशन में है ही नहीं, क्योंकि प्लस साइन तो एडिशन के लिए यूज होता है। क्लियर? तो वहां आप नॉर्मल एक्सप्रेशन में दूसरे और बहुत सारे एक्सपेंशन है। क्लियर? और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पर फाइल हैंडलिंग के लिए वाइल्ड कार्ड्स जो आप यूज करते हो, तो आप स्टार यूज करते हो या क्वेश्चन मार्क यूज करते हो। ओके, अब हम वीआई में भी याद हो तो हम पर्टिकुलर वर्ड करना चाहते थे सर्च एंड रिप्लेस, तो वीआई रेगुलर एक्सप्रेशन जानता है। अगर आप सर्च पैटर्न को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में दिया तो वो समझ गया। क्लियर? तो पहले एक बारी इन सबके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम जो है वीआई वाला एग्जांपल भी दोबारा रिपीट करेंगे, जो तुम्हें समझ आए कि हाँ वो एंकर्स वहाँ हमने कैसे यूज किए। क्लियर? ओके, तो एक और टैब ओपन कर लेते हैं या इसको सेव कर देते हैं फिलहाल। क्लियर? अब देखो ls स्टार करते, स्टार का मतलब एनी करेक्टर एनी नंबर ऑफ करेक्टर, वो सारी फाइलें लिस्ट कर दी। अगर कहते हो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, तो ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ? वाइल्ड कार्ड्स यूज कर रहा हूँ लेकिन नॉर्मल एक्सप्रेशन के। अगर ये लिखता है तो बोलते हैं कोई तीन करेक्टर की फाइल ही नहीं। देखो ls करता हूँ तो चलो सात करेक्टर की फाइल पूछते हैं, दो तीन चार, देखो सात करेक्टर की फाइल है। ये सारी फाइल नेम जो है सात करेक्टर के। एनी डाउट्स, कुछ पूछना चाहते हैं क्या स्टूडेंट्स? कोई डाउट है क्या? समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ओके, तो बेसिकली ये जो हम यूज कर रहे हैं ये एक्सप्रेशन नॉर्मल एक्सप्रेशंस हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस नहीं। क्लियर? तो हमें समझना होगा कि कई ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल एक्सप्रेशन की लिमिटेशन। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल देखो, पहली बात तो जो कमांड आप यूज कर रहे हो उसको मालूम होना चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे हैंडल करना है। क्लियर? जैसे ग्रेप कमांड है, ग्रेप कमांड का फुल फॉर्म जो है ना वो है GREP, जनरल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रोसेसर। क्लियर? तो उस तरह से हमें पता होना चाहिए ग्रेप बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन हैंडल करने के लिए बना। क्लियर? ग्रेप कैसे कमांड काम करती है वो हम बाद में सोचेंगे। क्लियर? हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पे फोकस कर रहे हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या। क्लियर? हमारा फोकस अभी उन कमांड्स पे नहीं है जो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके आपको टेक्स्ट प्रोसेसिंग देते। क्लियर? अब एग्जांपल लेते हैं कि उसके लिए हम थोड़ी कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? क्लियर? जैसे टच मैं क्रिएट कर रहा हूँ फाइल जहां रीअकरेंस ऑफ करेक्टर है, जैसे पी फ्री डबल आर डबल ई एफ ट्रिपल आर डबल ई एफ फोर टाइम आर डबल ई एफ एक दो तीन चार पांच डबल ई एक दो तीन चार पांच छह डबल ई। क्लियर? तो ऐसे में फाइलें बना रहा हूँ, एक दो तीन चार पांच छह सात डबल ई। क्लियर? देखो ls करा, कुछ फाइल क्रिएट करी मैंने जिसमें पी क्रिएट करी, और इन फाइल्स को अगर हम देखें गौर से तो रीअकरेंस ऑफ प्रीवियस करेक्टर है, जैसे r ही मल्टीपल टाइम रीअकर करता है। क्लियर? ये हमें बहुत अच्छा एग्जांपल देता है रीअकरेंस का एग्जांपल लेने के लिए, जहां हमें मॉडिफायर्स आराम से समझ आया। क्लियर? अब कुछ फाइलें टच कर लेते हैं, टच हिट हैट हॉट।
और साथ में कुछ और फाइल कर लेते हैं, HPDHZA, क्लियर, एंटर, क्लियर। अब जो है देखो, मैं अगर ls करता हूँ और स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करता हूँ AEIOU, क्लियर, और मेरा एच से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है टी पे, क्लियर, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो वाइल्ड कार्ड है खाली रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं, ये नॉर्मल एक्सप्रेशंस में भी काम करता है, क्लियर। तो वाइल्ड कार्ड जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये खाली रेगुलर एक्सप्रेशन में ही ये सिमिलरली काम करता है नॉर्मल एक्सप्रेशन के तौर पर, क्लियर। और हमारी क्या डेफिनेशन थी, इनमें से कोई एक, तो देखो एच ए टी हेट है, ए है ना, एच आई टी हिट है ना, क्लियर, एच ओ टी हॉट है, लेकिन एच बी टी और जेड सी नहीं आया, क्यों, क्योंकि बी और जेड है ही नहीं इसमें, इस सेट में है ही नहीं, लेकिन इनमें से कोई एक करेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं है, क्लियर। देखो मैं कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर देता हूँ, एच ए आई टी, क्लियर, अब देखो लिस्ट करता हूँ, नहीं आया, क्लियर, वो चार करेक्टर का है, इनमें से कोई एक ही करेक्टर लिया जाए, क्लियर, ओके। अब क्या करता हूँ, हम कैरेट सिंबल वाला भी कर रहे थे, इसका मतलब इनमें से इनको छोड़ के कोई भी एक करेक्टर, अब देखो इस बारी एच बी टी और एस जेड टी डिस्प्ले, क्लियर, तो ये वाइल्ड कार्ड स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप रिप्रेजेंट करते हो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन में भी काम करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में तो काम करेगा ही, यहाँ भी काम करेगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मुझे एच डॉट टी करो, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में डॉट का मतलब तो एनी करेक्टर बट वन है, यहां कहूंगा तो कुछ नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि इसको रेगुलर एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आया, क्लियर। लेकिन ग्रेप को रेगुलर एक्सप्रेशन समझ आते हैं, ठीक है, मैं जो भी लिस्ट है उसको पास करता हूँ ग्रेप को, ठीक है, और कहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन है, देखो उसमें सारे एच ए टी हेड एच बी टी हिट हॉट एच जेड टी सब लिस्ट कर दिए, क्लियर। तो ग्रेप जानता है इस सिंगल डॉट का मतलब क्या है, एनी करेक्टर बट वन, उसने वही फाइलें क्रिएट करी जिनका नाम, वही लिस्ट करी जिनका नाम तीन करेक्टर का है और बीच एच से स्टार्ट है टी से खत्म है, बीच में एक करेक्टर है कोई भी, क्लियर, कोई भी, तो हमारे पास ऐसी फाइल पास थी, क्लियर। तो नॉर्मल एलएस इस डॉट को नहीं समझा, क्योंकि डॉट रेगुलर एक्सप्रेशन में मीनिंग रखता है, जब नॉर्मल एक्सप्रेशन में डॉट लगाओ तो वो उसे टेक्स्ट ट्रीट करता है कि एक फाइल क्रिएटेड हो एच डॉट टी, वो वैसी लिस्ट करना चाहेगा, वो कहता है नहीं नो सच फाइल, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो क्लियर, हमें ये समझना पड़ता है, क्लियर। तो ये जो डॉट है वो स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन है वाइल्ड कार्ड्स, क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो ग्रेप में भी यूज होता है और आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन के तौर पे भी यूज होता है। अब देखो इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट वाला भी यूज करते हैं, ग्रेप जानता है ए ई आई ओ यू, क्या हुआ, इसने कुछ शो नहीं किया, क्लियर, तो इसको जो है बता देते हैं ग्रेप को, ये रेगुलर एक्सप्रेशन से हैंडल करो वरना स्क्वायर ब्रैकेट को नॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो हैंडल करना चाहता है, क्लियर। तो ये इनिबिशन बहुत जरूरी है, बैकस्लैश मत भूलना, कई बारी जो एक्सप्रेशन आप ग्रेप को दे रहे हो वो एक्सपैंड होके कुछ और बन जाता है, क्लियर, उसके लिए हमें कमांड लाइन एक्सपेंशन समझना पड़ेगा, क्लियर, तकरीबन 5-7 स्टेप है, तब जाके कमांड एक्सपैंड होकर के तब एक्सिक्यूट होती है, करना कर्नल के लिए पास ऑन होती है तब वो एक्सिक्यूट करता है।
ओके, तो अब देखो वही मीनिंग है जो हमने एलएस में किया, आउटपुट सेम है। क्लियर? अगर हम कैरेट सिंबल दें, ठीक है, तब भी वो समझ देगा, नॉट फ्रॉम दिस। तो स्क्वायर ब्रैकेट में पैटर्न देना, ये वाइल्ड कार्ड जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का भी है, और वाइल्ड कार्ड ये नॉर्मल एक्सप्रेशन का। क्लियर? लेकिन डॉट सिर्फ वाइल्ड कार्ड जो है रेगुलर एक्सप्रेशन का, नॉर्मल एक्सप्रेशन का नहीं। क्लियर? ओके okay. अब चेक करते हैं रीअकरेंस ऑफ प्रीवियस करंट। अब वही बात है, एलएस तो जानता नहीं। अगर मैं एलएस से कहूंगा कि लिस्ट करो एफ स्टार डबल ई, अब इसको कहूंगा तो एफ से स्टार्ट हो रहा है, डबल ई से खत्म हो रहा है, बीच में कोई भी करेक्टर है, कितने भी करेक्टर, देखो उसने सारे ये लिस्ट कर दिए। लेकिन अगर मैं क्रिएट करता हूं एफ डी डबल ई, एफ डी बी डबल ई, एफ डी एच आर डी डबल ई, मैं करता हूँ एफ जेड आर डबल ई। क्लियर? अब देखो ये भी तो आ गए, सारे आ गए जो एफ से स्टार्ट हो रहे हैं और डबल ई पे खत्म हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा पर्पस क्या था? हम तो चाहते थे कि प्रीवियस अकरेंस जो है, ठीक है, कुछ ऐसा हो रीअकरेंस ऑफ आर कंट्रोल को। क्लियर? अगर ऐसा देता हूं तो देखो फी नहीं आया, बाकी सारे आ गए। क्लियर? एफ आर स्टार्ट में है और डबल ई लास्ट में। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, एफ आर डी जेड डबल ई कर दूं तो देखो वो भी आ जाएगा, एफ आर बी जेड डबल ई आ जाएगा। तो खाली आर की रीअकरेंस कंट्रोल नहीं कर रहा, और भी चीजें आ रही। क्लियर? अगर मैं कहता हूं क्वेश्चन मार्क का मतलब तो है एनी वन करेक्टर। अब कहता है एफ आर और कोई एक करेक्टर, देखो एफ आर के बाद आर डबल ई आ गया। क्लियर? अगर मैं इसके लिए कुछ और केस ले लेता हूँ, एफ आर जेड डबल ई, एक फाइल क्रिएट करता हूँ एफ आर डब्ल्यू डबल ई। क्लियर? अब देखो लो खाली आर नहीं आए, और भी चीजें आ रही। लेकिन मेरा पर्पस तो ये था कि आर क्वेश्चन मार्क कर मैं यूज करूं तो वो हो जीरो और वन टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर, यानी कि पी और प्री आना चाहिए। अगर मैं यूज कर रहा हूँ स्टार, इसका मतलब जीरो और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर, यानी कि एफ स्टार्ट में डबल ई लास्ट में और बीच में आर सिर्फ, चाहे जीरो टाइम हो चाहे ज्यादा टाइम। तो इस टाइप का बिहेवियर एलएस कमांड से पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो हमको क्या चाहिए, हमको एलएस का आउटपुट सेंड करते हैं ग्रेप को। क्लियर? और कहते हैं ओके एफ आर स्टार डबल। क्लियर? प्लीज स्टार का रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग कुछ और है, अगर मैं यहाँ एंटर मारूंगा ये कुछ नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, लेकिन बैक स्लैश करके ग्रैप को दूंगा तो उसे समझ आ गया। मैंने क्या कहा था, स्टार इज जीरो और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर, जीरो और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर। प्रीवियस करेक्टर क्या है, आर। जीरो टाइम आर का मतलब एफ डबल ई पी, वन टाइम का मतलब एफ आर डबल ई, मोर टाइम में वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम सब आएगा। क्लियर? तो ये एक्चुअली अकरेंस ऑफ प्रीवियस करेक्टर को यूज कर रहा है, ये मॉडिफायर्स में यूज कर रहा है। क्लियर? मॉडिफायर्स। क्लियर? उसी तरह से एग्जाम्पल में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब ये एक्सपेंशन प्रॉब्लम करता है कई बारी, तो हमें सारे एक्सप्रेशन को सिंगल कोट में देना पड़ता है। देखो यहाँ नहीं समझ आया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का एक्सपेंशन फर्दर होता है। क्लियर? तो प्रेफर करो कि मैं इसको सिंगल कोट में दूँ। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था, जीरो और वन टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्ट, जीरो टाइम का मतलब पी, वन टाइम का मतलब प्री। क्लियर?
इसी तरह से अगर मैं प्लस यूज करूं तो उसका मतलब था वन और मोर टाइम, यानी कि जीरो टाइम नहीं है। अब देखो फी नहीं है, बाकी सारे हैं, क्लियर। तो ध्यान रखो ये एक्सपेंशन और इनहिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर। जब हमने क्वेश्चन मार्क यूज किया था, स्टार यूज किया था, इसको भी अगर मैं यूज करता हूँ कोर्स में प्रेजेंट करके, देखो इस तरह नहीं काम करेगा। तो स्टार के लिए ध्यान रखना, ये ऐसे ही काम करेगा, क्लियर। और अगर इसको हम सिंगल कोट में डाल रहे हैं, क्लियर, तो बैक स्लैश हटा करके यूज कर सकते, क्लियर, ध्यान रखना। तो स्टार के लिए सिर्फ ये है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के लिए और प्लस के लिए बैक स्लैश मैंडेटरी है, क्लियर। अब इसके बाद हम यूज करते हैं आई टाइम्स, क्लियर, कर्ली ब्रेसेस, और मैं कहता हूं टू टाइम्स बैक स्लैश कर्ली ब्रेस क्लोज, यानी कि टू टाइम्स ऑफ प्रीवियस करेक्टर, यानी कि सिर्फ एक ही आना चाहिए, एफ डबल आर डबल ई, एफ टू टाइम्स आर डबल ई, ये हुआ आई टाइम्स का एग्जाम्पल। मैं कहता हूं ओके फोर कॉमा आई कॉमा, यानी कि आई फोर एंड मोर, अब करूंगा तो चार से नीचे नहीं आएगा, सब चार से ज्यादा वाले आ रहे, चार बारी, पांच बारी, छह बारी, सात बारी, क्लियर। तो अगर मैं कहता हूं टू कॉमा फाइव, यानी कि आई टू जे टाइम्स, आई टू जे टाइम्स, अब देखो आर दो बारी है और मैक्सिमम कितनी बारी है, फाइव टाइम्स, क्लियर। तो यहां हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, अकरेंस ऑफ प्रीवियस करेक्टर, तो रीअकरेंस ऑफ प्रीवियस करेक्टर वाला मॉडिफायर आप यूज कर, क्लियर। अच्छा, अब इसके अलावा एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम मॉडिफायर्स को टेस्ट करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, तुम ये समझो जैसे ls आप यूज कर रहे थे, याद है ls में जब आपने यूज किया था, ग्रैप करना पड़ा बाद में, आप ये कर रहे थे तो सारी फाइल्स आ रही थी, तो मैं रेगुलर एक्सप्रेशन से ये वाला आउटपुट कैसे लूंगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। मेरे पास कोई तरीका हो ना जिससे मैं वो आउटपुट भी ले सकूं जो नॉर्मल एक्सप्रेशन से लिया जाता है, क्लियर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ध्यान रखना कि जो भी आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, क्लियर, और प्रीवियस करेक्टर क्या था, आर, उसकी जगह मैं लिखता हूँ डॉट। इसका मतलब, डॉट का मतलब क्या है, एनी करेक्टर बट वन। अब स्टार का मतलब क्या है, जीरो और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर। तो अब ये डॉट स्टार स्टार के बराबर है नॉर्मल एक्सप्रेशन। अब देखो सारे आ गए जितने थे, जो डबल ई पे खत्म हो रहे हैं अब से स्टार्ट, क्लियर। तो डॉट स्टार नॉर्मल एक्सप्रेशन के स्टार के बराबर है, क्लियर। डॉट क्वेश्चन मार्क अगर यूज करूंगा, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट है नॉर्मल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन मार्क के, एनी करेक्टर बट सिंगल, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ डबल ई पे खत्म हो रहा है, क्लियर, डबल ई पे खत्म हो रहा है और बीच में कोई एक करेक्टर है बी, चाहे वो जीरो टाइम है चाहे वो सिंगल टाइम, क्लियर, क्लियर। तो अगर हम खाली सिंगल कैरेक्टर लेना चाहते हैं तो हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, हम खाली ये दे दें तो एग्जैक्टली वन टाइम, एग्जैक्टली वन टाइम, क्लियर। अगर जीरो टाइम और वन टाइम करना चाहते हो तो क्वेश्चन मार्क यूज करो, और अगर तुम एग्जैक्टली वन टाइम करना चाहते हो जो आप प्रॉम्प्ट पे क्वेश्चन मार्क यूज करो, डॉट बॉट, क्लियर, डॉट। तो ये हमारे नॉर्मल एक्सप्रेशन वाले काम कैसे होंगे उसके ऑल्टरनेटिव, क्लियर। अब यूज करते हैं लाइन स्टार्टिंग विद, लाइन एंडिंग विद, क्लियर। हमने माई पासवर्ड फाइल
देखिए ये हमारे पास पासवर्ड फाइल थोड़ी बड़ी है, पासवर्ड कैट कर लेते हैं पासवर्ड फाइल को, जस्ट टू डिस्प्ले, उसमें बहुत सारे एंट्रीज हैं यूजर के। क्लियर? ओके, अब मैं ग्रैप कमांड यूज कर रहा हूँ और यूज करूंगा एंकर्स। ठीक है, मुझे फिल्टर करना है, यूजर नेम पैरा फील्ड है, जो लाइन रूट से स्टार्ट हो रही है उसको आप कैप्चर करो और डिस्प्ले करो पासवर्ड फाइल में से। देखो उसने एक लाइन ग्रैब कर दी रूट। अगर ये हम मानो लाइन स्टार्टिंग विद नहीं देते और कहते रूट जहां भी है वो लाइन डिस्प्ले करो पासवर्ड में से, तो इसने ये देखो दो दो लाइनें शो कर देंगी जहां जहां रूट लिखा है, कहीं भी लिखा है। दूसरी लाइन इसलिए आई क्योंकि रूट यहाँ बीच में लिखा है। क्लियर? लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मैं तो खाली वही लाइन शो करना चाहता था जहां लाइन स्टार्टिंग विद है, जिससे कि रूट यूजर की लाइन आए, ऑपरेटर की नहीं आए। क्लियर? तो ये कैसे होगा, लाइन स्टार्टिंग विद। क्लियर? लाइन स्टार्टिंग, जिससे कि एग्जैक्ट सर्च होगा जहां जहां लाइन स्टार्टिंग विद रूट है वो आए। मानो मैं चाहता हूँ, मैं लिस्ट करना चाहता हूँ ऑल यूजर्स विच आर स्टार्टिंग विद पी। देखो ये सारे यूजर पी नाम से स्टार्ट हो। क्लियर? मैं यूज लिस्ट करना चाहता हूँ वो यूजर जिसका नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, सारे एस से स्टार्ट। मैं वो यूजर्स लिस्ट करना चाहता हूँ जिनका नाम एम से स्टार्ट है। तो यहाँ हमने यूज किया लाइन स्टार्टिंग पे। क्लियर? ओके, अब लाइन एंडिंग विद कैसे यूज करते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से यूजर हैं जिनका शेल है बिन बैश। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, जिन जो लाइन, क्योंकि लास्ट फील्ड क्या है, शेल। क्लियर? तो जो भी बैश से एंड हो रहे हैं वो लाइन डिस्प्ले कर दो मुझे पासवर्ड फाइल में से। देखो उसने जो है ये तीन यूजर लिस्ट करे क्योंकि बैश से, बिन बैश है जिनका डिफॉल्ट शेल। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे वो यूजर चाहिए जिनका शेल है विनफॉल्स, कोई भी नहीं। क्लियर? मैं लिस्ट करना चाहता हूँ वो यूजर्स जिनका शेल है नो लॉगिन। बहुत सारे यूजर हैं, सारे नो लॉगिन। क्लियर? हैज बीन नो लॉगिन, बहुत सारे यूजर्स। क्लियर? तो लाइन एंडिंग है, लाइन स्टार्टिंग। क्लियर? अब इसके अलावा हो सकता है वर्ड स्टार्टिंग पे, वर्ड एंडिंग। क्लियर? तो जैसे मैं कहूँ ग्रेप, ठीक है, मत भूलना उनको कोट्स में देना है क्योंकि ये कीवर्ड जो है रीडायरेक्शन सिंबल है इनपुट और आउटपुट का। क्लियर? पर हम यहाँ यूज कर रहे हैं वर्ड स्टार्टिंग पे कि मुझे जो भी है जहाँ पे भी स्टार्टिंग विद एस एच है। क्लियर? जहां वर्ड स्टार्टिंग विद एस एच है वो लिस्ट करो। ठीक है, किस फाइल में से, पासवर्ड फाइल में से। क्लियर? स्क्रीन कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये लाइन इसलिए आई क्योंकि इसमें वर्ड एस एच शट डाउन के अंदर एस एच से स्टार्ट हो। क्लियर? मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो जो एस से स्टार्ट हो, देखो बहुत सारे यू लाइन आई जिनमें एस से स्टार्ट हो। क्लियर? मैं कहता हूँ चलो मुझे वो दो जो सेट से स्टार्ट। क्लियर? जहाँ वर्ड सेट से स्टार्ट। क्लियर? मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ, थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। देखो इन लाइन में वर्ड है जो सेट से स्टार्ट हो। क्लियर? कहीं ना कहीं।
ओके, मैं कहता हूं कि एंडिंग विद मुझे लेना है, ठीक है, लेट्स से वो चाहिए मुझे, तो एंडिंग विद मैं लास्ट में लिखूंगा जो एंड कर रहा है सेट से, ठीक है, कोई भी नहीं। चलो मैं कहता हूँ मुझे चाहिए जो एंड कर रहा है लिव से, ठीक तो बहुत सारे कंटेंट्स हैं जहाँ वर्ड एंडिंग, देखो ये स्लैश सिंगल वर्ड है, अगर बी आई की डेफिनेशन याद हो तो मैंने क्या कहा था, ऑल स्पेशल कैरेक्टर आर ट्रीटेड एज सिंगल वर्ड, तो लिव एक ऐसा वर्ड है जो एंड भी हो रहा है लिप से और स्टार्ट भी हो रहा है लिप से, क्लियर? देखो यहाँ उसने सारे शो कर दिए, क्लियर? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ड जो एंड हो रहा है शूट से, क्लियर? वर्ड एंड हो रहा है शूट से, देखो ट्रबल शूट वाला जो है उसका ट्रबल शूट से एंड हो रहा है शूट से, तो यहाँ मुद्दा क्या है, वर्ड एंडिंग है, जितने भी वर्ड थे विच आर एंडिंग विद शूट उसने डिस्प्ले कर दिया, क्लियर? अब स्पेसिफिक केस अगर हम कहें कि मुझे चाहिए वो वर्ड्स जो स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं, क्लियर? दोनों अगर कंडीशन दूंगा, ठीक है, तो हमें प्योर वर्ड लिखना पड़ेगा, क्लियर? तो हमें ऐसी ट्रबल शूट, तो प्योर वर्ड उसने लिया, प्योर वर्ड, ठीक है, जहां पूरा वर्ड, क्लियर? ध्यान रखना, अगर मैं खाली ये लिखूंगा तो ये नहीं काम करेगा, देखो वर्ड स्टार्टिंग भी ट्रू है, क्लियर, एंडिंग भी ट्रू है, क्लियर, क्योंकि ये क्या है, प्योर वर्ड, ये है प्योर वर्ड, इसमें भी ये ट्रू है, क्लियर? अब एक स्पेशल केस लेते हैं, मैं यही करता हूँ, कैट्स का टेक्स्ट, इससे हमें थोड़ा सा और बेटर समझ आएगा, क्लियर? जैसे उसमें लिखा कैट, तो केस सेंसिटिव भी काम कर रहा हूँ, कैट्स, कैट आर इन पोलर रीजन ये मैं थोड़ा सा इलॉजिकल सेंटेंस है पर बना रहा हूँ, ठीक है, ये मस्कैट इज ए सिटी, इसके अलावा कैट ओ कैट कुछ वर्ड में जान पूछ के लिख रहा हूँ, ठीक है, कैटलॉग ऑफ कैट्स, क्लियर, हंट देम विद कैटापुल्ट, अब ये जस्ट कुछ सैंपल लाइन्स है, ठीक है, ठीक है, अब मैं यूज करता हूँ ग्रेप, ठीक है, पर्पस क्या है, वर्ड स्टार्टिंग विद वर्ड एंडिंग विद और इनको समझना, क्लियर, लाइन स्टार्टिंग विद लाइन एंडिंग विद हमने अच्छे से समझ लिया, क्लियर, अब मैं कहता हूँ सर्च वेयर वर्ड स्टार्टिंग विद इज कैट, क्लियर, इसमें कैट्स डॉट टेक्स्ट, ये सारी की सारी वो लाइन शो हुई है जिसमें वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है, मैं फाइल दिखा देता हूँ कैट्स डॉट टेक्स्ट को, उसको ध्यान से देखो,
इसमें और भी बहुत सारी लाइंस है, देखो ये लाइन डिस्प्ले नहीं है, ये लाइन डिस्प्ले नहीं है, क्लियर। वही लाइंस दिखी जिनमें वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है, क्लियर क्लियर। यहाँ देख रहे हो वर्ड स्टार्टिंग विद कैट नहीं, हंट वाले में कैटापुल्ट है, देखो वर्ड स्टार्टिंग विद कैट, ठीक है। सारी लाइंस डिस्प्ले नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे वो लाइन डिस्प्ले करो जहाँ वर्ड एंडिंग विद कैट है, क्लियर। अब देखो वर्ड एंडिंग विद कैट, मस्ट कैट, क्लियर, कैट ओ कैट, कैट कैट। कैट एक ऐसा वर्ड है जो स्टार्टिंग विद भी है और एंडिंग विद भी, क्लियर। लेकिन प्रॉपर्टीज को समझो, अगर मैं लिखूंगा कि मुझे वो लाइन डिस्प्ले करो जिसमें वर्ड स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग विद कैट है, इसका मतलब प्योर वर्ड कैट है, क्लियर। तुम अगर इन दो लाइंस को देखो, कैटो कैट और कैट कैट, ऐसा लगता है वर्ड स्टार्टिंग विद भी है और एंडिंग विद भी है, क्लियर। ये डिस्प्ले नहीं होंगे इस केस, क्यों, क्योंकि लाइन वर्ड स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग विद का मतलब, ये ध्यान रखना, इसका मतलब प्योर वर्ड कैट है। कैट कैट इज नॉट द प्योर वर्ड, कैटो कैट इज नॉट द प्योर वर्ड कैट, क्लियर। तो ये ऑब्जर्वेशन जरूर, अगर आप वर्ड स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीज यूज करके कोई वर्ड लिखते हैं तो वही लाइन डिस्प्ले होंगी जब प्योर वर्ड कैट, वरना डिस्प्ले नहीं होगी, क्लियर। अब दूसरी चीज यूज करते हैं, जैसे लाइन स्टार्टिंग विद, ठीक है, ओके, लाइन स्टार्टिंग का मतलब क्या है, क्लियर। सारी आ गए। अब मैं कहता हूँ लाइन एंडिंग विद, एंडिंग विद तो अगर डॉलर, ये सारी लाइन वो है जिसमें डॉलर, क्लियर। और अगर मैं कहता हूँ लाइन स्टार्टिंग विद एज वेल एज एंडिंग विद, क्लियर, कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऐसी कोई प्योर लाइन है ही नहीं जिसमें पूरी लाइन में सिर्फ कैट, पूरी लाइन में सिर्फ कैट होगा तभी डिस्प्ले होगी, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर। हमें प्रॉपर्टीज को समझना पड़ता है। अब देखो मैं VI करके कैट्स डॉट टेक्स्ट को एडिट करता हूँ, क्लियर, और लेट से यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ सिर्फ कैट, क्लियर। अब देखो इसी पैटर्न को दोबारा कैप्चर करता हूँ, यही लाइन कैप्चर होगी जिसमें, तो लाइन स्टार्टिंग और एंडिंग विद में जो पैटर्न दे दिया, इसका मतलब इन दी होल लाइन दिस इज द ओनली पैटर्न प्रेजेंट, क्लियर। तो हमें जो है बिहेवियर समझना पड़ता है कि किस तरह से आप किसी चीज को ग्रैप करेंगे, उसका मीनिंग क्या, क्लियर। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, अलग अलग तरीके के हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को समझा, क्लियर। रेगुलर एक्सप्रेशन, क्लियर, हमने वाइल्ड कार्ड्स को समझ लिया, डॉट का मतलब क्या है, रेंज में से कोई एक करेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट का, ये वाइल्ड कार्ड समझ लिया। निगेशन समझ लिया हमने कि एनी करेक्टर बट नॉट फ्रॉम दिस रेंज, क्लियर। मॉडिफायर्स को हमने समझा, स्टार का मतलब है जीरो और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर, क्लियर। अगर हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, इसका मतलब है जीरो और वन टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर, प्लस का मतलब है वन और मोर टाइम ऑफ प्रीवियस करेक्टर। इसी तरह से आई टाइम्स, आई कॉमा का मतलब आई और मोर टाइम्स, आई कॉमा जे मतलब आई टू जे टाइम्स ऑफ प्रीवियस करेक्टर, क्लियर। उसी तरह से एंकर्स, हमने एंकर्स क्या हैंडल करते हैं, लाइन स्टार्टिंग विद, लाइन एंडिंग विद, क्लियर, वर्ड स्टार्टिंग विद और वर्ड एंडिंग, क्लियर। कैरेट का मतलब जो भी आप पैटर्न लिखोगे विद दैट पर्टिकुलर पैटर्न लाइन स्टार्ट्स विद, तभी वो
ग्रैब करेगा, क्लियर। उसी तरह से डॉलर पैटर्न के लास्ट में लिखना है, क्लियर। तो वो लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी जो उस पैटर्न से एंड करें, क्लियर, लाइन एंडिंग, क्लियर। उसी तरह से लेस देन सिंबल वर्ड स्टार्टिंग पे, ग्रेटर देन सिंबल वर्ड एंडिंग विथ के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखना, अगर हम लाइन स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग विद यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही पैटर्न है पूरी लाइन में, पूरी लाइन में कुछ और नहीं है, सिर्फ यही पैटर्न। उसी तरह से अगर हम वर्ड स्टार्टिंग विद और वर्ड एंडिंग विद यूज कर रहे हैं, इसका मतलब प्योर वर्ड जो पैटर्न आप दे रहे हो वो प्योर वर्ड है, क्लियर, प्योर वर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था जैसे कैट और कैट, ऐसा लग रहा था ये वर्ड स्टार्टिंग विद कैट है, एंड विद कैट भी, उसी तरह से कैटो कैट लिया वो भी उसी तरह से था, क्लियर, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं होता, क्लियर। तो हमें प्रॉपर्टीज को समझना है कि किस तरह से आउटपुट हमारा डिस्प्ले होगा, क्लियर। अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉम्बिनेशन में यूज करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। अब इसी चीज के लिए हमने क्या किया था, जब हमने वी आई किया था, ओके, माय सैंपल फाइल, उसमें हम पर्टिकुलर कुछ प्योर वर्ड को चेंज करना चाहते, ठीक है, कि हम सारे पैटर्न को नहीं ले रहे थे। जैसे हम कहते हैं कि कैसे सर्च करना है, कोलन, तो सारी फाइल पे काम करना है, तो परसेंटेज, क्लियर, सर्च, सर्च क्या करना है, लेट्स से मैं सर्च करना चाहता हूँ एज को, और रिप्लेस करना चाहता हूँ एज से, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ भी ए एस है, जहाँ पे भी ए एस है, वो सारे के सारे हैज से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। बड़ा टिपिकल है, यहाँ आधी चीज तो समझ ही नहीं आ रही, देखो स्मॉल जी जी ट्वाइस, यहाँ देखो, क्लियर, जहाँ पे भी ये एक्चुअली पेस्ट था एज, उसका क्या बन गया, पेस्ट, क्लियर। एग्जाम्पल है, क्लियर, मैं अंडू कर देता हूँ, एस्केप यू, देख रहे, वो पेस्ट था जो हैज बन गया, तो जहां मिला उसने पेस्ट कर दिया, लेकिन मेरा पर्पस तो ये था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, सिर्फ प्योर वर्ड है एज, और मैं इसी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, कोलन, ठीक है, मानो पहली पांच लाइन में चेंज करते हैं, क्योंकि सारा फाइल चेंज करने की जरूरत नहीं, सर्च, ठीक है, एज, और बनाना है हैज, ठीक है। तो एज को रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखो, बैक स्लैश, क्लियर, वर्ड स्टार्टिंग विद एज वेल एज वर्ड एंडिंग, तो जहां पे भी प्योर वर्ड एज है उसको हैज से चेंज करो, बाकी मत चेंज करो। अब देखो पेस्ट नहीं चेंज हुआ, क्लियर, पेस्ट नहीं चेंज हुआ, खाली एज का हैज चेंज हुआ। अभी हम लाइन एड्रेसिंग बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बारी लैंड एड्रेसिंग में सिर्फ आपकी पांच लाइनें थी, चलो इसको दस कर लेते हैं, जिससे नीचे की भी लाइनें आ जाए, क्लियर। अब देखो नहीं हुआ, पैटर्न नॉट था, क्लियर, एस्केप यू, ठीक है, दोबारा से अप्लाई करके देख लेते हैं, देखो एज चेंज हुआ लेकिन पेस चेंज हुआ। तो यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, वर्ड स्टार्टिंग विद, वर्ड एंडिंग विद, एज ए प्योर वर्ड, ठीक है। तो उस समय जब किया था तो क्लियर नहीं समझ आया होगा, पर इस समय आपको पता लग गया कि आपने क्या किया पैटर्न के साथ, पैटर्न को हमने साथ के साथ कहा ये प्योर वर्ड है, प्योर वर्ड है, क्लियर, वहां का, ओके, तो क्विट कर लेते हैं, बोलते हैं सेव नहीं किया आपने, चलो सेव करके बाहर आ। तो ये एग्जांपल्स हुए रेगुलर एक्सप्रेशंस, क्लियर। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए आपका ग्रैप कमांड है, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स पे आते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम ग्रैप कमांड यूज कर रहे थे,
और वो इसलिए यूज कर रहे थे, आपको समझाएं रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या, हमने ग्रेप के सिंटेक्स नहीं यूज किया। तो ग्रेप है, क्लियर, एसीडी है, कम से कम ये छोटे छोटे हमें बेसिक सिंटेक्स को आने ही चाहिए, क्लियर। तो अब यूज करते हैं ग्रेप, अगर आप ग्रेप यूज करते हैं, grep cat and cats dot text लाइन शो कर दी, लेकिन तुम देख रहे हो उसने अगर इग्नोर केस है उनको नहीं किया, क्लियर। चलो मैं cats dot text को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, इंसर्ट करता हूँ कैपिटल cat, c कैपिटल a t cat, कुछ लाइन्स जिनमें कैपिटल लाइन्स भी। आप देखो क्या करा, वो लाइन नहीं आई जिसमें लाइन में कैपिटल सी ए टी कैट था, ठीक है। तो मेरे को तो ये था कि क्या कैट्स कोई भी है, चाहे केस सेंसिटिव चाहे इनसेंसिटिव, तो मैं यूज कर सकता हूँ ग्रेप माइनस आई, तो वो लाइन भी आ जाएंगी जिनमें आप देखोगे कैपिटल सी ए टी, कैपिटल ए टी CAT में है, तो सारे आ गए। अब क्या उसने सर्च किया पैटर्न केस इनसेंसिटिवली, क्लियर। देखो ऊपर के भी जो कैट थे उन पे भी रेड मार्क, क्लियर, ठीक है। तो ग्रेप माइनस आई का मतलब केस इनसेंसिटिव सर्च करो, क्लियर। अब मैं कहता हूं कि मुझे ग्रेप करना है word starting with as well as word ending with, clear। तो आपके ये डिस्प्ले हुए, clear। लेकिन आपका पर्पस तो था कि cat to cat भी आना चाहिए, मेरे को चाहिए cat cat और cat to cat वाले, तो ये कैसे करें, ठीक है। अब word starting with लेते हैं, तो देखो cat to cat और cat cat आ रहा है। अब मैं कहता हूं कि इसी आउटपुट को मुझे लिस्ट करना है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं वो वर्ड्स लिस्ट करो जो ग्रैब करो प्योर वर्ड कैट को, अगर आप करोगे तो फिर ये छुप जाएंगे। देखो मैं दोबारा से प्योर वर्ड करता हूँ, ठीक है, सिंगल कोट में देते हैं बैक स्लैश सी ए टी कैट बैक स्लैश, ठीक है। अब देख रहे हो फिर उसने वही लाइन दिखाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो लाइन मत दिखाओ ग्रेप माइनस वी जिनमें प्योर वर्ड कैट है, क्लियर, वो मत दिखाओ। अब देखो आपकी ये लाइनें आ गई उसमें कैटो कैट और कैट कैट है, क्लियर सर। माइनस भी सर मैंने, हाँ माइनस भी का मतलब नॉट दिस मैच, जहां ये मैच नहीं है, क्लियर। तो सब हमें ठीक सर, एक मिनट, सब पहले इसमें लिखे, पहले इसमें लिखा है कैट स्टार्टिंग विद कैट और वो पास होता है ग्रेप माइनस भी नॉट कैट। देखो हमने पहले स्टार्टिंग विद लिए, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं प्योर वर्ड फिर से कैट लेता तो तुम देखोगे कि वो फिर ये सप्रेस हो जाता, क्लियर। प्योर वर्ड वाले मुझे नहीं चाहिए, तो बचे हुए आ गए, ओके, मुझे बचे हुए मिल गए, क्लियर। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है, कि जो है आपका, जैसे पहले मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए था, कैट से स्टार्ट कर रहे हैं वो, उसके बाद वो निकालता जो कैट से स्टार्ट नहीं हो रहे, जैसे कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ता, क्लियर। तो यहाँ बेसिकली निगेट जो है ना, जैसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ निगेशन के, अब जैसे कुछ और ग्रेप के एग्जांपल ले, जैसे मैं चाहता हूँ ग्रेप करो वर्ड रूट, क्लियर, और मैं कह रहा हूँ कि ईटीसी के अंदर जितनी फाइल्स हैं
उन सब में जहां रूट मिले वो फाइल्स मुझे लिस्ट करो, क्लियर। अब इसने क्या करा, सारी वो फाइलें बताई जिसमें कहीं ना कहीं रूट है, क्लियर। बोलते ये तो डायरेक्टरी है इसलिए ओमिट कर दी, लेकिन देखो अपडेट कॉन्फ के अंदर रूट fs लिखा हुआ है इसलिए रूट है, क्लियर। तो जहां जो भी फाइल वो उसने सारी फाइलों में गया बारी बारी, जो डायरेक्टरी थी वो ओमिट कर दी, क्लियर। ओके, मैं इसको थोड़ा और बेटर करता हूँ, स्टार डॉट कॉन्फ ले लेता हूँ, क्योंकि सारी फाइलें लेगा तो बहुत सारे एरर्स भी आएंगे। अब देखो उसने सारी फाइलें, सारी फाइलों के नाम लिखे और साथ में जहां पे है पैटर्न है वो लिस्ट कर, क्लियर। इसमें देखो रूट लिखा हुआ, क्लियर। यहाँ देखो केडम कॉन्फ में रूट लिखा हुआ, तो जहां भी रूट लिखा हुआ है उसने वो लाइन शो कर दी जितनी भी कॉन्फ फाइल थी उसमें, पर वो कॉन्फ फाइल नहीं शो करी जिसमें रूट नहीं है, क्लियर। जिसमें रूट नहीं है, तो ये एक तरीका हुआ। अब मैं चाहता हूं, मैं ये लाइनें नहीं चाहता ये जो शो कर रहा है, मैं खाली फाइल नेम चाहता हूं ग्रेप माइनस एल, ठीक है। कौन सी फाइलें चाहिए जिसमें रूट पैटर्न है, क्लियर। किसमें से, सारी फाइलें थी ईटीसी स्टार डॉट कॉम। अब इसने क्या दिया, खाली लिस्ट थी फाइल नेम्स की, कुछ और नहीं दिया, देख रहे हो। ओके, उसने खाली फाइल नेम्स दिखाए ग्रेप में, क्लियर। इसका मतलब इस फाइल के अंदर रूट लिखा हुआ है सर। बिल्कुल है, कहां है कितना है वो नहीं बताया, लेकिन लेकिन माइनस एल अगर यूज नहीं किया तो उसने लाइनें दिखाई, अगर माइनस एल नहीं यूज किया तो उसने लाइनें दिखाई। देखो हर फाइल नेम दिखाया लाइन दिखाई, फाइल नेम दिखाया लाइन दिखाई, चाहे एक बार थी चाहे चार बार थी। देखो ऑड जॉब्स के अंदर ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है जिसमें रूट, देख रहे हैं, क्लियर। उसने फाइल नेम के साथ लाइनें दिखाई सारी, तीन लाइनें तो तीन बार दिखाया, क्लियर। लेकिन अगर माइनस एल यूज किया तो उसने सिर्फ फाइल नेम दिखाए जिसमें रूट है, कहाँ है वो तुम देखो। कई बार हमें खाली फाइलें चाहिए होती जिसमें पर्टिकुलर पैटर्न प्रेजेंट चाहिए, क्लियर। ओके, अब दूसरी प्रॉब्लम आती है, देखो मैं वो ऑप्शन देख रहा हूँ जो नॉर्मली आप ग्रेप में नहीं यूज करते। नॉर्मली ग्रेप में लोग सिर्फ ग्रेप पैटर्न नेम और फाइल नेम देते हैं और लाइन डिस्प्ले कर देते, क्लियर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक और चीज यूज करता हूँ काउंट। अब ये क्या करेगा, ये नंबर ऑफ लाइंस बताएगा जिसमें रूट है सारी फाइलों में जाकर, देख रहे हो। ईटीसी के अंदर सारी फाइल में गया जितनी बार रूट है वो बताया, जहां जीरो टाइम है वहां जीरो टाइम, जहां थ्री टाइम है वहां थ्री टाइम, जहां वन टाइम है वन टाइम, क्लियर। उसने हर फाइल में गया और काउंट देखा कितनी लाइन में रूट है। देखो ऑड जॉब डी का हमने देखा था तीन लाइनों में था, याद है। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है इस केस में, कि मुझे जीरो वाले नहीं चाहिए, मुझे खाली वही फाइल चाहिए साथ में काउंट चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेप माइनस बी को यूज करते हैं, कि मुझे शो मत करो कौन सी लाइन है जो कि एंड हो रही है कोलन जीरो से, देख रहे हो। तो हम लाइन एंडिंग भी जानते ही है, नहीं कहते हैं कोलन जीरो से जो हो रहा है लाइन एंडिंग विद मत शो करो, क्लियर। माइनस बी का मतलब डोंट शो मी। अब उसने क्या किया, ये आउटपुट ग्रेप से जो मिला, क्लियर, उसमें से वो लाइनें जो एंड हो रही थी कोलन जीरो से वो नहीं दिखाई, यानी कि बची हुई दिखा दी, क्लियर। तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट आ गया लॉजिक लगा के, सर ये तो समझ में आएगा बी का मतलब डोंट शो। एक्चुअली बी का फुल फॉर्म क्या है इस केस में, नहीं बी का फुल फॉर्म एज इट इज नहीं है, बस इसका मीनिंग है निगेशन। देखो एक काम करते हैं, मैन ग्रेप, मैंने आपको मैन पेजेस शो करना तो बताया ही है ना, ठीक है। सर्च करो माइनस बी, कैपिटल बी तो वर्जन है, ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल बी इनवर्ट मैच, इनवर्ट, क्लियर। लेकिन ये मैच नहीं करता, तुम देख रहे हो इनवर्ट वर्ड अलग है, ठीक है, कोरिलेट नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन ये इनवर्ट में से बी लिया इन्होंने, ठीक है।
ठीक है, हाँ यस क्योंकि आई जो है केस इनसेंसिटिव में यूज हो गया, क्लियर। यस सर तो कई बारी लॉजिक नहीं होता, बस हमें समझना पड़ता है, ठीक है। तो माइनस वी जो है इनवर्ट मैच की वजह से वी लिया इन्होंने, क्लियर। तो माइनस वी निगेशन के लिए यूज होता है कि मेरे को अगर ये पैटर्न नहीं ढूंढना है वो लाइनें शो करो, तो माइनस वी से होगा, क्लियर। अब एक और चीज ध्यान देना, ग्रेप के अंदर हम पैटर्न मैच करना तो हम जानते ही हैं, ठीक है। मानो मुझे लिस्ट करनी है फाइल्स, ठीक है, जिसमें रूट पैटर्न है, क्लियर, और मैं कहता हूँ स्लैश ईटीसी फोल्डर में देखो, देख रहे हो, पहले मैंने स्लैश ईटीसी स्लैश स्टार दिया था, याद है। मैं इस बारी स्टार नहीं दे रहा हूँ, इसकी वजह से एक एरर आएगा, बोलते हैं ईटीसी इज ए डायरेक्टरी, क्लियर। ग्रेप कैन नॉट वर्क ऑन डायरेक्टरी अनलेस एंड अंटिल आई गिव माइनस आर ऑप्शन रिकर्सिव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, माइनस आर से रिकर्सिव भी काम करेगा, वो डायरेक्टरी में जाएगा, उसके अंदर फाइल्स जो है उन सब में सर्च करेगा, उसमें अगर डायरेक्टरी है तो फिर डायरेक्टरी की डायरेक्टरी में जाएगा, सब डायरेक्टरी में, वहां फाइल्स में सर्च करेगा, और इस तरह से कंप्लीट ईटीसी डायरेक्टरी में लिस्ट करेगा वो इसको, क्लियर। तो अब देखो मैं माइनस एल की जगह लेट से काउंट यूज करता हूँ रूट के अंदर ईटीसी, उसने देखो सारी फाइलें दिखा दी। अब इसमें फिर मैं ग्रेप यूज करता हूँ, ग्रेप माइनस वी, ठीक है। तो मुझे ईटीसी डायरेक्टरी की कंप्लीट फाइल्स आ जाएंगी जहां रूट नहीं है, जीरो टाइम है तो जीरो टाइम नहीं है, क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, कहता हूँ कोलन जीरो डॉलर, ये नहीं है। अब वही फाइल्स आई हैं जिनमें रूट कितने टाइम है वो प्रेजेंट, क्लियर। देखो कंट्रोल है, काफी सारी फाइलें हैं अभी शिफ्ट पे, जब से आप हिस्ट्री में ब्राउज कर सकते हैं, क्लियर, सारी फाइल्स हैं, क्लियर। यहां से हमने कमांड दी, क्लियर। और फर्दर अगर हमने यूज करना है टूल को कि ये टोटल कितनी लाइन है, मैं कहता हूँ डब्ल्यू सी माइनस एल को पास ऑन कर दो, ये टोटल 167 फाइल्स हैं जिसमें रूट पैटर्न प्रेजेंट है, क्लियर। वो कितने टाइम है वो सब लिस्ट सामने है तुम्हारे, आप अलग से देख सकते हो, क्लियर। तो ये ग्रेप के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ग्रेप माइनस एल माइनस वी माइनस सी माइनस आई, क्लियर। एक मिनट होल्ड करो, प्लीज होल्ड ऑन आशा, आशा श्री, हेलो। अरे पीयूष मैं उठा लू, श्री के नंबर पे कर ले, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं श्री श्री एक मिनट बोलता हूँ, ठीक है, होल्ड कर। तू कॉल कर।